कुक्षी पहुंची नर्मदा आंदोलन की नेत्री मेघा पाटकर। वे कुछ पिछले साल दर्ज हुए प्रकरण के संबंध में कुक्षी पहुंची थी। उनके साथ सैकड़ों लोग नर्मदा विकास प्राधिकरण के भू अर्जन कार्यालय पहुंचे और कार्यालय का घेराव किया। वहां मेघा पाटकर ने मीडिया को बताया कि 17 सितंबर को एक दिवसीय जल सत्याग्रह किया जाएगा। इसमें महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि गत दिनों एक अंतर्राष्ट्रीय अखबार पायोनियर ने खबर प्रकाशित की कि सरदार सरोवर बांध 2019 में पूर्ण होगा, जबकि प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन 17 सितंबर 2017 को बांध का उद्घाटन किया है। अब हम इसी साल इसी दिन जल सत्याग्रह कर जवाब मांगेंगे। यह बात नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेघा पाटकर ने की और यह जल सत्याग्रह छोटे बड़दा में किया जाएगा। देखिए खबर SKP लाइव न्यूज पर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे सरदार सरोवर बांध का लोकार्पण पिछले साल 17 सितंबर 2017 को हुआ था। तब घोषित हुआ था गुजरात शासन और केंद्र शासन की तरफ से, जब प्रधानमंत्री जी का ही खुद आगमन हुआ था कि बांध पूरा हो गया। अभी अभी की ताज़ी खबर है कि पायोनियर ने जो दी है कि सरदार सरोवर के ही संबंधित अधिकारी और गुजरात शासन अब कह रही है कि 2019 में बांध पूरा होगा। बांध पूरा हुआ है या नहीं, इसका जवाब तो आना ही बाकी है। लेकिन घाटी की स्थिति देखेंगे तो आज भी 35,000 से कम परिवार नहीं है डूब क्षेत्र में, जिनमें से 16,000 को बैकवाटर के खेल के कारण बाहर बताया है, लेकिन वो प्रत्यक्ष में डूब में ही है। और ऐसी स्थिति में 900 करोड़ का पैकेज जो पिछले साल सत्याग्रह अनशन जेल के दौरान घोषित हुआ, उसका पूरा अमल नहीं हुआ है और 8 फरवरी 2017 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूर्ण पालन नहीं हुआ है। तो ये निश्चित कि अभी भी घाटी जिंदा है, गांव जिंदा है। इसीलिए जीने का हक सत्याग्रह फिर इस बार 17 सितंबर को उसी जगह जहां पिछले साल हम खड़े थे, छोटा बड़दा में पानी में खड़े रहकर अलग अलग समुदायों के लोग करेंगे, जिसमें मछुआरे होंगे, जिसमें केवट होंगे, जिसमें किसान, मजदूर, कारीगर होंगे, महिलाएँ होंगी और हमारे बच्चे, जिनका कि शिक्षा का अधिकार ही छीना गया है। पुनर्वास स्थलों पर स्कूलें गई पर लोग नहीं जा पाए क्योंकि पूरे अधिकार नहीं मिले हैं। तो हज़ारों बच्चे जो आज शिक्षा से वंचित किए गए, ये सर्व शिक्षा अभियान के खिलाफ है और वो भी वहाँ हाजिर रहेंगे।